क्या आपने कभी एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क को कैद देखा है? नहीं ना, जबकि हम व्हेल डॉल्फिन को एक्वेरियम में कैद कर चुके हैं। लेकिन समुद्र की रानी शार्क के साथ ऐसा क्या है कि इसे आज तक कोई एक्वेरियम में कैद ही नहीं कर पाया? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शार्क को आज तक एक्वेरियम में कैद करने की कोशिश की ही ना गई हो, लेकिन हर बार ये कोशिश नाकाम साबित होती थी, क्योंकि एक्वेरियम में रखने के बाद शार्क बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता और एक्वेरियम टैंक को हिट कर कांच को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती थी। लेकिन इसमें कांच तो नहीं टूटता था, लेकिन शार्क अपने आप को बुरी तरह जख्मी करके मर जाती। इसके पीछे कारण है कि ज्यादातर मछली बुकल पंपिंग से आसानी से पानी में से ऑक्सीजन अलग कर लेती है, लेकिन शार्क को सांस लेने के लिए लगातार तेजी से मुंह खोलकर तैरना होता है और इसकी बॉडी नेगेटिव स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा ज्यादा रिलीज करने लग जाती है और डिप्रेस होकर शार्क अपने आप को ही खत्म कर लेती है। इससे डिप्रेस होकर शार्क एक्वेरियम में रखने के कुछ चंद दिनों बाद ही मर जाती थी। ऐसा लगता है कि शार्क कैद रहने के लिए बनी ना हो और इन्हें शायद अपनी आजादी अपने जान से भी प्यारी है।